आना होगा। एक्सक्यूज मी पेशेंट, मैम उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दी। किस तरफ है? ये उस तरफ। तुम थोड़ा सा पहले आ जाती। अम्मी तुम्हारे नाम पुकारते पुकारते ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई है। क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? मुझे हॉस्पिटल जाना है। मम्मी ने कहा है कि आपको नाश्ता दे दूं। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। चाहिए होगा ना तो बाहर से भी मंगवा सकती हूँ। आइंदा मेरी नींद कभी खराब मत करना। नाश्ता तैयार है, इधर रख दो। आखिर मम्मी ने तुम्हें तुम्हारा सही मकान दिखा ही दिया। इस घर में मेरा मकान फाइज ने तय किया और मैं खुद को भी इसी मकाम पर समझती हूँ। फिर कोई कुछ भी समझे, फर्क दे पड़ता है। ठीक है रिया, देखते हैं
कि फायज तुम्हें इस मकाम पर कितनी देर के लिए रख सकता है। चाइना थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। अब्बा, पानी। हरीम, ये लो पानी पियो, थोड़ा सा पी लो। हरीम चली गई? जी बेगम साहिबा, वो तो घंटा हो गया चली गई। उन्होंने हमना बीबी और लाइबा बीबी का नाश्ता भी बना दिया था और आपका सूप भी बना दिया था। तुमने किसी काम में उसकी मदद तो नहीं की? नहीं बीबी जी, मैं तो उनके पास भटकी भी नहीं। उन्होंने हमना बीबी और लाइबा बीबी का नाश्ता बनाया और मुझसे कहा कि उनके कमरे में देकर आ जाओ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरी कमर में दर्द है, आप खुद ही देकर आ जाए। खासी समझदार हो गई हो तुम। ये लो तुम्हारा इनाम। बेगम साहिबा, खान साहब ने पूछा था कि काम पे कब से आया। उसको घर बैठे तनख्वाह मिल रही है ना, क्या मसला है उसके साथ? उसे को सुकून से बैठे। वैसे भी इस घर में किसने कब कहाँ आना और जाना है, इसका फैसला तो मैं ही करूंगी। खसामा से कह दो, जब उसकी जरूरत होगी बुला लेंगे। मेरे महल पर शबखून मारा है तुमने हरीम, और मेरे अपने ही खून को बागी बना दिया। आप तो हैं खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी कहकशा नहीं। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़के में होंगी तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। सुल्तान, मैं आपसे मोहब्बत करती। इस तरह के फजूल फैशन तुम पे सूट नहीं करते। सब लोग मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं। ये जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लग रही है। तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं? अब जैसा चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की, ये क्यों साबित करने पर तुली हो कि तुम टफर हो। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती। सुल्तान, एक पल में कुछ होते हैं। मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और अगले ही पल में कुछ और। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सब खैरियत? मर्ज पूरे जिस्म में फैल चुका था, हम उनकी जान नहीं बचा सके।
सबर कीजिए। हाय हाय, क्या हो गया? अल्लाह, अरे बरसों का साथ था, सनासाई थी, बेचारी कसम कुर्सी में चली गई। बड़ा अफसोस हुआ। मैंने तो नासिर से कहा, नासिर छोड़ बेटा, कितनी तलखियां सही, कितनी बुराइयां सही, कितना ही उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन इस वक्त जाना बनता है भाई। आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना। हरीम, मुझे आंटी का बहुत अफसोस हुआ है, अल्लाह आंटी की मगफिरत फरमाए। अमीन। हाय, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी तुम्हें अपनी बहू बनाती है, पर ख्वाहिश से क्या होता है जब नियत ही ना हो तो। और आजकल के ज़माने तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हिर्स और हवस से इंसान अंधा हो गया बिल्कुल। हम ठहरे सीधे साधे लोग, और मेरा बच्चा मासिर मासूम सीधा साधा बच्चा, हमें क्या पता आप कोई महलों के ख्वाब देख रहा है। हम वो तो मासूम बच्चा था, उधर महलों का शहजादा था, तो बस फिर। क्या कह रही हैं आप? कुछ तो लिहाज कीजिए, आप ताज़ियत के लिए आई है, मैं एहतराम करती हूँ आपका, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दिल में आए कबूल लेंगे। अरे शगु, चल यहाँ से भाई, यहाँ तो इज्जत विज्जत कोई नहीं होनी, क्यों नाक से लकीर निकलवाने चल उठ। काश इज्जत के मायने आप लोगों को पता होता तो दूसरों की इज्जत बहमाल करने से पहले 100 बार सोचते। काश अपने बेटे को बताया होता इज्जत और मकाफात के क्या मायने होते हैं। लड़की का दिमाग घूम गया है, सर फेरी लड़की है। अरे जाने वाली चली गई, हमने कौन सा दोबारा यहाँ आना है, चल उठ चले। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मुझे पहचाना? मैं दुर्दाना, नासिर की वालिदा। हाँ ठीक है, आपसे मुलाकात हुई थी मंगनी पर, नासिर की, याद है ना? अरे सलाम दुआ के बाद आप तो हवा के घोड़े पे सवार निकली गई। मैं आपकी पड़ोसन, याद नहीं फायज और नासिर इकट्ठे साइकिल चलाया करते थे गली में। अच्छा खातून, हो गया, बहुत शनासाइयाँ जता दी आपने, अब आप चलिए। हाँ खुदाफिस। अरे हाँ भाई, ये शनासाई मिलना जुलना सब पैसे के जोर पे है, पैसा फेंक तमाशा देख। क्या कर रही हो, बस कर दो, और कितनी बेइज्जती करवाओगी यहाँ, चलो। बेइज्जती कराती मेरी जूती, मैं तो खुद लानत भेजती हूँ जैसी हो पे। चला। अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी की मगफिरत फरमाए। आप बैठिए ना। नहीं, मैं बस दरअसल कहीं जा रही थी तो खबर मिली, तो मैंने सोचा कि पहले तुम्हारे पास ताज़ियत करती चलूं। अब रिश्तेदारी भी तो निभानी होती है ना। सच्ची बात है, हमने तो इंसानियत के नाते और रिश्ते के नाते अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, तुम्हारी अम्मी का इतना महंगा इलाज भी करवाया। जो अल्लाह की मर्जी, पैसा बीमारी से लड़ सकता है मगर मौत से नहीं। तुम अपना ख्याल रखो, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे, तुम्हारी वालदा के दर्जात बुलंद करे। आमीन। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना, तुम्हें मिस करती हूँ मैं।
तुम्हें कैसे आने दिया लोगों ने? ताजियत का तो बहाना था, मैं तो इन मगरूर लोगों की बेचारगी का हाल देखने आया था। जिनके दिमाग आसमानों पे होना, उनको शूज जमीन में घसीटता हुआ देख के अजीब सी खुशी महसूस होती है मुझे। वैसे अच्छा हुआ कि आज तुमसे मुलाकात हो गई। खैरियत? तुम्हारा शुक्रिया जो अदा करना था, वो तुम्हारी बला थी जो हमारे सर पर आ पड़ी। अब ये डोर जो हमारे गले में पड़ गया, इसको बजाना तो पड़ेगा। आप हुक्म कीजिए, ढोल से भी नजात दिला देते हैं और बला से भी। क्या मतलब? मैं समझ सकता हूँ, फाइज ने आप लोगों की नाक कटवा दी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू सेरी, आप तो दिल ही दिल में दिन रात सुलगती होंगी ना। लेकिन खैर, आपके हर गम और परेशानी का इलाज है मेरे पास। मेरी बात सुनो, मुझे आदत नहीं है कि मैं किसी की घुमा फिर आकर की हुई बातों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दूं। इसे जो बात करनी है सीधी और साफ करो। भाई मैंने एक छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी तो बस उसके मामलात समझ रहा हूँ। कैसा बिजनेस? मेरे पास जो गीदड़ सिंगी है, अब उसको तो छोड़ दीजिए, आप अपना मतलब देखिए। चलो फिर मतलब की बात करते हैं। किसी वक्त मुलाकात करते हैं और देखते हैं, शायद मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टर बन जाऊं। जरूर जरूर, जब आप हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा दौलत खाने में। बता दूंगी तुम्हें। बस करो, जितना रोना था तुम रो चुकी हो। मैंने सुना है जाने वाला जिन्हें पीछे छोड़ जाता है, उनके आंसू जाने वाले को बहुत तकलीफ और अजियत में मुब्तला रखते हैं। तो फिर तुम आंटी को खुशी देना चाहती हो या मुतमईन देखना चाहती हो, तो इन आंसुओं को भी अलविदा कह दो। सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी मैं। आखिरी लम्हा अपने अपनी माँ के साथ ही थी, वो मुझे याद करते करते। सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अम्मी की कि मैं अपने घर में खुश रहूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी ख्वाहिश का पास रख सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम खुश रह सको। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज कभी मुझसे बदगुमान मत होइए, प्लीज। लेकिन मैं तुमसे क्यों बदगुमान होऊंगा? क्या अपने दिल की धड़कनों से भी कोई बदगुमान होता है क्या? क्या बात है? ये दुख भरे बोझल दिन किसी तरह गुजर जाए, अपने आवाज बहाल कर सकें। ये मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, पर क्या हुआ है? मैं नहीं बता पाऊंगी। फाइज,
अम्मी का जख्म अभी ताजा है, मुझ में मजीद जख्म सहने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तुम एटलीस्ट तब तक अपना ख्याल तो रखो। जो ऑफिस जाना होगा हरी, मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां आ चुकी हैं भाई की तरफ से, और मुझे वो सब कुछ डील करना है। आने वाले दिन ऑफिस में बहुत मसरूफियत में गुजरेंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम अंकल का और फी का बहुत ख्याल रखो। ओके प्लीज, मुझे आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त, प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हम कहीं नहीं जा रहा, ओके? Just calm down. Calm down and take care of yourself. बेहतर हो जाओ प्लीज। मुझे मजार जाना था। सब खैर तो है? अपाना की शादी के लिए दुआ करनी है। उसका शादी का तुम्हें क्यों फिक्र हो गया? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? इसलिए तुम मजार लेके जा रही? तुम चाहते कि हम शादी कर ले उधर ही? तुम हमें क्यों मरवाना चाह रही हो? मोहब्बत इज्जत की तरह होती है, लौट ले चाहे तो। ये नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है, और मैं इस रास्ते पे निकल आऊँ। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राव खान के घर में गिनती कर।
उसी वक्त मुलाकात करते हैं और देखते हैं, शायद मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टर बन जाऊं। जरूर जरूर, जब आप हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा दौलत खाने में। बता दूंगी तुम्हें। मामला ये रुख इख्तियार कर सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुदरत मेहरबान है तुझ पर नासिर, हरीम से शादी तुझे वो कुछ नहीं दे सकती थी जो हरीम से अलहदगी दे जाएगी। अगर ये तीर निशाने पर बैठ गया तो समझ तेरी जिंदगी संवर गई। बड़ा माल बनाया है शेख साहब ने। शेखानी जी की नजर करम अपनी तरफ फेर ले, तेरे दिन फिर जाएंगे कसम से। नहीं बेटा, सिंधी और चलेगा बेटा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा मेरे। परवरदिगार की रजा में राजी रहना ही हमारे लिए अच्छा है। नहीं नहीं मेरी जान, तो मैं भी हत्या को सिर्फ तुम्हारी शक्ल में देख सकूंगा बेटा। ये सब के अलावा कोई चारा नहीं है मेरी बच्ची। वो तुमसे बात करने से मेरी बात, देखो जो कुछ हो गया हो गया, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चंद दिन जो तुमने वालदा का शोक मनाना बेटा, वो मना के अपने घर जाओ। देखो बेटा, शादी के बाद बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। सुनना नहीं भेजा प्लीज। सब करना पड़ेगा पहचान। आ जाओ। बेगम साहिबा, आपसे मिलने कोई नासिर साहब आए। मैं लेट हो रही हूँ, उससे कहो किसी और वक्त आए। जी बेहतर। अच्छा रुको बेटा, उसे आती हूँ मैं। जी अच्छा। आप हुक्म कीजिए, ढोल से भी नजात दिला देते हैं और बाला से भी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप तो दिल ही दिल में दिन रात सुलगती हुई ना। आपके हर गम और परेशानी का इलाज है मेरे पास। काले धन की करामात, खूब रास आया इन लोगों को ऊपर कमाल। चारों घी में और सर कढ़ाई में इसी को कहते हैं। यार नासिर, तू कहाँ मक्खी का निचोड़,
यहां तो पूरा हाथ ही तैयार। आदाब अर्ज करता हूं शेखानी जी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कोई काम की बात है, जरूरी बात है तो करो, वरना जाने का रास्ता खुला है। काम की ही बात है और सरासर आपके मतलब की बात है। रास्ते तो वैसे भी मेरे बहुत कुशादा हैं, ये वाला न सही कोई और सही। अच्छा तो तुम्हारे पास कौन सी गीदड़ सिंगी है जो जोगी बने पिटारी लिए घूम रहे हो? तुम्हारे साथ तुम्हारे घर हूँ कमरे में। हाँ। अभी ना काम है मुझे, थोड़ा वक्त नहीं है मेरे पास आपकी तरह। केदार सिंह जी आपने देख लिया, कीमत कभी मिलकर तय कर लेंगे। चलता हूँ, आदाब। नासिर कहते हैं मुझे। आपको यूं छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा पूम। मैं जानती हूं कि आप बज़ाहिर बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, आप बहुत गमज़दा हैं, उदास हैं। मैं बखूबी जानती हूं कि मेरे जाने के बाद आप अम्मी के दुख को, उनकी अचानक जुदाई को और महसूस करेंगे। मौत एक कटल हकीकत है मेरी बच्ची, हर आदमी को इसका मजा चखना है, लेकिन अल्लाह की अजीब कुदरत है, किसी के चले जाने से जिंदगी का पहिया रुकता नहीं है, वैसे ही रवाना रहता है। ठीक कह रही हो, तुम्हारी तरह मुझे भी उतना ही गम है, उतनी ही तकलीफ है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है बेटा, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह गम तुम्हारी जिंदगी की रवानी में कोई किसी किस्म का खलल ना बने। देखो रूफी है मेरे पास, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम दोनों मिलके इस गम को बांट लेंगे मेरी बच्ची। ये बताओ वो फाइज कब आ रहे हैं तुम्हें लेना है? कल आएंगे, वो भी बहुत मसरूफ है, पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस के मामलात भी देख रहे हैं। अल्लाह उस बच्चे को हमेशा सलामत रखे, उसका एहसान तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिन हालात पे उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा,
तुम्हें इज्जत देके अपने घर ले गया। मैं उसका दिया सारी जिंदगी नहीं दे सकता। और फिर तुम्हारी वालदा की बीमारी के दौरान जिस तरह उसने हमारा साथ दिया, उसे ज्यादा खैर दे बाग पर मैं बीमार। देखो बेटा, इंसान किसी से कर्ज उधार लेना तो वापस कर देता है, लेकिन ये जो एहसान का बदला है ये देना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं तुमसे ये चाह रहा था बेटा कि फाइज को जिंदगी भर कभी किसी किस्म का कोई दुख और तकलीफ ना होने देना। वो तुम्हें कुछ भी कहता रहे, लेकिन बेटा तुम मुस्कुरा के उसके हर चीज को बर्दाश्त करना और उसके घर वालों का तो खास तौर पर ख्याल रखना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो अरीम, मर्द के कंधों पे बहुत से रिश्तों का इकट्ठा बोझ होता है और उन सब के साथ उसे इंसाफ करना होता है। बाज दफा कोताही भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी अप्पू, मैं जानती हूं। मैं फाइज के लिए अपने इम्कान की हर हद तक खुशी और सुकून का सबब बनना चाहती हूँ। थैंक यू मेरे बेटा, तुम्हारी माँ की भी यही ख्वाहिश थी और वो तुम्हें तुम्हारे घर में हमेशा खुश और खुर्रम और हंसता खेलता देखना चाहती थी। अब देखो कल फाइज आ रहे हैं ना बेटा, तुम तैयारी कर लो, उनके साथ अपने घर जाओ, वहां तुम्हारी बहुत जरूरत थी बेटा, वही तुम्हारा घर है।